आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अभी से ही राजघाट, आईटीओ और लाल किले के आसपास और कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर एरिया से प्रवेश करने वाले वाहनों की भी चेकिंग अभियान को भी सख्त कर दिया है। वहीं पुलिस उपायुक्त ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजघाट, आईटीओ और लाल किले के आसपास के सभी इलाकों के धारा 144 लगा कर रख दी है। वहीं साथ ही इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सभी अनुमति नहीं दी गई है। वहीं डीसीपी सागर सिंह कालसी ने इस बारे में कहा कि पीएम मोदी लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, हमें इस पर बहुत गर्व है। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल सख्त हो। हमारा आजादी का ये पर्व है, ये हमारे देश का फेस्टिवल है। ऑनरेबल पीएम यहाँ से झंडा चढ़ाएंगे, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसी के साथ हमारी जिम्मेदारी एक हो जाती है कि यहाँ पर हम जो सुरक्षा व्यवस्था है एकदम स्ट्रिक्ट रखें, बंदोबस्त एकदम पुख्ता हो। हमारे यहाँ पर बंदोबस्त दो तरीके के होते हैं, एक जो कि मौके पे हम किस तरीके से पेट्रोलिंग, अपने जो सीसीटीवी का जाल, टेक्नोलॉजी का रूफटॉप्स, मचान, मोर्चा, हर तरीके का स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल और उसके बाद में एंटी सैबोटेज चेक और उस तरीके से एक बंदोबस्त ले करते हैं। दूसरा जो हमारा इससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, पिछले 2-3 महीने से जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जनता को साथ लेकर RWA, MWA, हमारे आईज एंड ईयर सब के साथ जागरूकता के जो हमारे कैंपेन चलते हैं कि किसी तरीके की संदिग्ध व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, वो हमें पुलिस को बताया जाए। हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव होती है चप्पे चप्पे पे, जो कोई नया कोई शख्स आता है यहाँ जनरली वेरिफिकेशन होती है। होटल्स, गेस्ट हाउसेस, इवन सिनेमा घर हैं हमारे, जो इवन जो व्हीकल्स के लिए पार्किंग्स वगैरह हैं, हर तरीके से हर जगह चेकिंग होती है। तो वो जो 2-3 महीने से जो चेकिंग होती है उसके चलते हमारा ये अरेंजमेंट पुख्ता कह सकते हैं। सर, गैदरिंग की अगर बात की जाए तो कितनी गैदरिंग इस बार आएगी? देखिए, ये यहाँ पर जो सीटिंग रखी गई है ये 20,000 के ऊपर के लिहाज से कैपेसिटी है, जिसमें ऑफिशियल और जनरल पब्लिक दोनों के लिए अच्छा प्रबंध है। सर, टेरर रिलेटेड इनपुट किस तरह के, क्या स्पेसिफिक हैं और क्या इंतजाम, अगर एंटी एयर ड्रोन की बात करें तो इनके बारे में? टेरर रिलेटेड कोई अभी स्पेसिफिक इनपुट तो नहीं है, लेकिन जनरल टेरर के लिहाज से हमारा एंटी टेरर, चाहे वो एंटी ड्रोन हो, चाहे हमारे कमांडोज के लिहाज से हो, हम कोई भी एयर अगर कोई थ्रेट है तो उसके चलते हमारी कैपेबिलिटी है, सॉफ्ट किल हार्ड किल दोनों के चलते। एयर डिफेंस गन्स होती हैं, MMGs होती हैं वगैरह। इवन यमुना में अगर पानी के उस तरफ से भी कोई इस तरीके से आना चाहे तो हमारी वहाँ पर भी बोट्स वगैरह रहती हैं। बाकी चप्पे चप्पे पे पुलिस की फोर्स रहती है। 15 अगस्त का सिर्फ लाल किले के चलते हमारे यहाँ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से 5,000 से ज़्यादा फोर्स की।